भागवत पुराण एकादश स्कंद 22वां अध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। भागवत पुराण एकादश स्कंद 22वां अध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? जैसे तुम कहते हो यह वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियाँ इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों सत्व रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपने अपने मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्याण रूप सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तब चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घट पट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूद आदि का घटपट आदि कार्य में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत
करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है, वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अनुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है। इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। इसलिए सत्य, रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महत्तत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ। वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ। तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रिय तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य, 11 इंद्रियां और पंचभूत
और कारण महत्तत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महत्तत्व आदि कारण धातुएं विकारों को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही तत्व हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और 6ठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं। 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना है ही है कि आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि 5 भूत, श्रोतादि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी महत्व में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपता प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से
मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विभिन्न अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को तीन भागों में बांट सकते हैं। वे तीन भाग हैं, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है। उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के तीन भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी तीन तीन भेद हैं। यथा त्वचा, स्पर्श और वायु, श्रवण, शब्द और दिशा, जिह्वा, रस और वरुण, नासिका, गंध और अश्वनी कुमार, चित्त, चिंतन का विषय और वसुदेव, मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि, समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महत्तत्व बनता है और महत्तत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसका इन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है।
इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना आना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाते हैं। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्रकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है, यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय, मन या शरीर की सृष्टि से आत्मा वस्तु में यह उत्तम मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा ब्रह्मा और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रति क्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रति क्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से देह की
लौ, जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों की प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यही वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुष का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेर अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता के मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पके जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उनकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोगों में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत, प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाने देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलने डोलने से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलोक ही होते हैं, वैसे ही हे दशाई, आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उनका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होते
नहीं होती। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मविषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह के विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनसे किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कारों को अपने मन में अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है।